और फुंगी थांगा से आने के बाद जब आप जाएंगे तो ये चेक पोस्ट आएंगे जहाँ पे आपका जो परमिट है जो आपने लिया है वहाँ पे चेक होगा। उसके बाद चेक करने के बाद सीधा शुरुआत होगा ऊपर तिंगबोचे के लिए। हम तो अभी हम तिंगबोचे के लिए जा रहे हैं। पीछे चेक पोस्ट हो गया है, परमिट चेक हो गया है, लंच हो गया है, वेजिटेबल लेंटिल्स दाल चावल पापड़ खाना हो गया, पेट फुल है, अभी चढ़ना है। ओके तो स्टिल देन बाय बाय। ओके और ये आर्मी का या पुलिस नेपाल पुलिस का कैंप है। ओके तो स्टिल देन मेरा देखे बहुत बारिश हो रहा है इसलिए बहुत कुछ पहन चुका हूँ। ओके तो स्टिल देन बाय बाय। गुड आफ्टरनून, डे 5 का ब्लॉग हो रहा है और फुंगी थांगा से लंच करते ही जब निकले थे और अभी हम लोग पहले 3 थे, अभी हमारे साथ ही एक और जुड़ गया है, ये हमारा ट्रैवल कंपेनियन और एक जुड़ गया है मिस्टर एवरेस्ट हमने नाम दिया इसका। बहुत भूख लगा था इसको, हमारे उदित ने खुद का खाना इसको खिलाया प्रोटीन बार और तब से वो हमारे साथ ट्रेक करे जा रहा है। सामने उदित जा रहा है, उसके आगे हमारा गाइड और यहाँ पे मैं। तो बड़ा ही जैसे कि हर एक ट्रेक में कोई ना कोई कंपेनियन मिल जाता है कोई ना कोई, ये ट्रेक पे ये मिल गया है। अभी हम लोग 3 बजे पहुँचने वाले हैं और ये शायद मेरे पीछे पीछे आएगा, ये आएगा। हाँ खाने को कुछ मिला है उसको। वो पैकेट में है और ट्रेक आज का भी काफ़ी थकाने लायक है। चढ़ ही जा रहे हम लोग zigzag पर उठ रहे सिर्फ ऊपर। ऑक्सीजन की लेवल कम होने का थोड़ा देख लिया, आ गया है हमारे साथी और ऑक्सीजन लेवल पतला होते जा रहा है। पानी में ORS घोल दिया है, पानी पी रहे हम लोग सब कोई। बहुत थकान वाला है, EVC करना इजी है पर सबसे मेन चीज़ है मेंटल प्रिपरेशन, क्योंकि 12 दिन का कंटिन्यूस ट्रेक है वो भी एवरेस्ट रीजन में हाई ऑल्टीट्यूड। वो हमारे साथ ही जा रहा है, पूरा धुंधला आप देख सकते हैं, पूरा क्लाउड्स। तो जब भी EVC करिए या कोई भी ट्रिक करिए 3000 मीटर जब भी आप क्रॉस कर रहे हो उस दिन वहाँ पे रुक जाइए, 2 दिन रुक जाइए, बॉडी को एक्टिवाइज करने दीजिए और ट्रिक के टाइम बहुत धीरे धीरे चलिए। जिसका जो पेस है वही पेस फॉलो करिए पर धीरे धीरे रुकिए, बैठिए, पानी पीजिए, चॉकलेट खाइए, ORS खाइए पीजिए सॉरी ये सब बहुत काम देगा आपको आगे जाके। तो आज day 5 हो रहा है, आशा करते हैं और 1, 2, 3, 4 दिन में ORS के सामने होंगे हम और वो हमारे साथ चले जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा, एक ट्रैवल कंपेनियन हमें मिल गया है। ठीक है तिंगबोचे पहुँच जाएंगे अभी 1.5 घंटे में, उसके बाद आराम विश्राम रेस्ट, रात को खाना सोना। हाँ अपना स्लीपिंग बैग ज़रूर लेके आएगा क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है स्लीपिंग बैग में जो सोना होता है ना, जो नींद होता है ना, वो आपको कमर में नहीं होता है। तो स्लीपिंग बैग कैरी करिए अपना खुद का, नहीं तो काठमांडू में कहाँ मिलता है रेंट बेसिस में सब बता दूंगा आपको। डू नॉट वरी एट ऑल, जैकेट नहीं है बता दूंगा, जूता नहीं है वो भी बता दूंगा, जूता तो आपको सबके पास होता ही है पर डाउन जैकेट यहाँ का स्पेशली ये क्लाइमेट के लिए जो हम लोग इंडिया में नहीं खरीदते, खरीदने की ज़रूरत भी नहीं आपको। तो कहाँ मिलता है
काठमांडू में थमेल में कितना रुपया रेंट रहता है पर डे। आई एम गोना टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। जब भी हमें वाईफाई मिलेंगे 10-12 दिन के बाद, मैं एक क्वेश्चन एंड आंसर लाइव करूँगा, उसमें आपका जितना भी सवाल है सब कोशिश करूँगा आपको बताने देने का। ओके, तो स्टिल देन व्यू कुछ ऐसा है, अभी पूरा क्लाउड ट्रेल ट्रैक ट्रेल कुछ ऐसा है। ओके, सो सी यू, बाय बाय, टेक केयर। और डे 5 का लास्ट हम लोग अभी तेंगबोचे पहुंच चुके हैं। यही गेट से हम लोग अंदर आए और ये थे तेंगबोचे। एक स्तूपा है वहाँ पे, बहुत सारा होटल लॉजेस है, पर अभी मानसून टाइम है, ऑफ सीजन चल रहा है, तो बहुत कुछ बंद है। तो अभी नाक से पानी बह रहा है, तो अभी अभी देखना पड़ेगा कौन सा सस्ते में हम लोग रह पाते हैं। ठीक है, मेरे पीछे वो वाला गेट जहाँ से हम लोग एंट्री किए थे, और ये वाला पूरा व्यू, क्लाउड्स है बहुत, तो उतना अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। एट लास्ट 9:30 बजे शुरू किए थे और अभी बज रहा है 4:30, करीबन 10:30, 11:30, 12:30, 7 घंटा, बीच में 1 घंटे का लंच ब्रेक, तो 6 घंटे के ट्रेक के बाद आ पहुँचे हैं तेंगबोचे। ये है हमारा थर्ड डेस्टिनेशन, फगदिंग, उसके बाद नामचे, उसके बाद तेंगबोचे। बहुत ही सुंदर सा एक स्तूपा है, बुद्ध स्तूपा, और आगे जाके आपको दिखाते हैं। हाँ, ये देखिए सुंदर सा एक स्तूपा है, और वहाँ पे कुछ भी नहीं दिख पा रहा है, अभी कुछ भी नहीं दिख पा रहा है। एक इंटरेस्टिंग सा चीज़ मुझे मिला जो आपको मैं दिखा दूँ। यहाँ से नामचे 9 किलोमीटर, मतलब आज हमने नामचे से 9 किलोमीटर पैदल आए। उसके बाद फंगबोचे 4 किलोमीटर यहाँ से, एवरेस्ट बेस कैंप 24 किलोमीटर, 18 घंटे का जाना। ठीक है, ये ठीक मेरे पीछे, और वेलकम टू ट्रिपर्स लॉज तेंगबोचे। ये है स्पेलिंग तेंगबोचे का, ये है तेंगबोचे का स्पेलिंग, दिस इज द स्पेलिंग। और डस्टबिन सब जगह ऐसा है, प्लीज़ प्लास्टिक पेपर जो भी है इसमें रखिए, इसमें फेंकिए, और जब तक ना हो तो अपने पॉकेट में रखिए प्लीज़। मैं भी फॉलो कर रहा हूँ, मैं इतना फॉलो नहीं करता था, पर थैंक्स टू माय जो रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर है मेरे साथ, उन लोग का बात सुन सुन के मैं भी थोड़ा बहुत हो चुका हूँ। अच्छा लगता है, अच्छा चीज़ करने में रियली अच्छा लगता है। तो थैंक्स टू दोज पर्सन जो मुझे या सारे ग्रुप में बताते रहते हैं प्लास्टिक 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 यूज़ मत करो, तो उन लोग का बात सुन सुन के मैंने भी तय किया था कि एवरेस्ट बेस कैंप में जब हम ट्रेक करेंगे कुछ भी नहीं फेंकेंगे, तो जो भी प्लास्टिक है पॉकेट में रखता हूँ, और वही डस्टबिन बना हुआ है एंड वहाँ पे हम लोग फेंकते हैं। उसका व्यू क्या बोलूँ मैं, पूरा मानसून टाइम है, पूरा धुंधला है इसीलिए। और वहाँ से गेट है वे टू नामची, और यहाँ पे एक बड़ा सा गेट है, ये भी आपको दिखा देते हैं। हाँ, ब्यूटीफुल, इट्स ब्यूटीफुल गेट, ये देखिए जैसे हम लोग स्पीटी या लद्दाख में देखते हैं, सेम टू सेम। मैंने कभी सोचा नहीं था कि नेपाल में इतना बुद्धिस्ट रहते होंगे, और एवरेस्ट बेस कैंप साइड में, मैंने कभी सोचा नहीं था। यस, वो हमारा होटल है, मुझे वो भाई साहब बुला रहे हैं ऊपर से, ताशी दिलेक मुझे वो बुला रहे हैं। और ये जो डॉग मैंने पिछले वाला ब्लॉग में दिखाया था, ये हमारे साथ करीबन 2 घंटे से नीचे से अभी ऊपर आए। हमारे पास फ्रूट मूसली था, भूखा था, और हमने इसको फ्रूट मूसली खिलाए, उसके बाद कट गया है। और तो हमारे साथ अभी ये आ गए, और ये वाला गेट देखिए, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा वाला गेट है। तो कल सुबह यहाँ से निकल जाएंगे, तो कल सुबह मौका मिले तो और एक सुंदर सा ब्लॉग बनाएंगे। फिलहाल इतना ही। हाइट यहाँ का तेंगबोचे का वहाँ पे आपका लिखा है 3876, नामची में था 3400, और यहाँ पे अभी हो गया 3800, तो 400 मीटर की दूरी
और ऊपर तय किया है, कर सकते हैं, आराम से करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है, आराम से थकना, जब थकेंगे बैठ जाइए, आराम करिए, बस हो जाएंगे, और शिव जी का जय हो, शिव जी तो है ही सबके साथ। तो ये है तेंगबोचे 3876 और ये मेरा होटल है आज के लिए, ताशी दिलेक लॉज एंड रेस्टोरेंट तेंगबोचे। तेंगबोचे का स्पेलिंग कुछ अलग अलग है, कोई लिखता है TYANG, कोई लिखा है TNG। तो ये मेरा होटल है आज के लिए। यहाँ पे रहने के बाद देखिए लवाजा ववाजा क्या सब मिलता है आपको, कभी देखे होंगे आप इतने हाइट में ये सब मिलते होंगे। यहाँ पे सब कुछ मिलता है, वाईफाई से लेके बिया दारू सब मिलते हैं पूरा। एक्चुअली इंडियन बहुत कम करते हैं ईवीसी, फॉरेनर बहुत ज़्यादा करते हैं। ये बार इसका जो क्रेज़ है वो अभी फ़िलहाल 2-3 साल भी नहीं हुआ होंगे, 2-3 साल में भी एवरेस्ट इंडियन वाली इतना क्रेज़ हुआ है, नहीं तो पहले इतना नहीं था, जैसे हमारा स्पीति लद्दाख था वैसे ही था। पर हाँ, फॉरेनर बहुत आते हैं यहाँ पे, इसीलिए जैसे हमारा सेम टू सेम इंडियन के लिए कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, यहाँ पे भी सेम इंडियन के लिए कोई वैल्यू नहीं है, फॉरेनर देखते ही सब क्योंकि उनके पास डॉलर है, ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए, पर इंसानियत यही बात कहता है कि पैसा हर चीज़ नहीं है, इंसानियत होना चाहिए। बट और यहाँ का लोग माहौल कैसा है वो उसके ऊपर मैं अलग से ब्लॉग बनाऊँगा, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि आप सोच लो कि ऊपर आ गए तो दे आर ऑल लॉयल लॉल ऑनेस्ट, नहीं बिल्कुल नहीं, इनके साथ कुछ हादसे हो चुके हैं उदित का भी, तो बताऊँगा वो सब अलग से। तो फिलहाल इतना ही, जगह बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा जगह है, और ये डॉग मेरे साथ आज रुकने वाला है। हाय बेटा, और ये ओके, चलिए टाटा बाय बाय।